जय माता दी। दोस्तों, रोजाना ही राशिफल से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल ट्रेंडिंग राशिफल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, अगर आपके जीवन में सेहत, रोजगार, कारोबार, परिवार, दाम्पत्य जीवन और प्रेम संबंध को लेकर कोई भी परेशानी है तो हमें व्हाट्सएप के जरिए जरूर बता सकते हैं, आपकी जरूर मदद की जाएगी। अगर आपको अपनी शादी के बारे में जानना है कि आपकी शादी कब, कहाँ, कैसे और किससे होगी, कैसे रहेगा आपका जीवन साथी, शादी कितनी दूरी पर होगी, जल्द शादी के लिए हमें क्या करना चाहिए, तो इसके लिए आप अपना नाम, शहर का नाम, जन्मदिन और जन्म समय हमें बता सकते हैं, आपकी जरूर मदद की जाएगी। अगर आप लव मैरिज को लेकर भविष्यवाणी पाना चाहते हैं तो अपना और अपने पार्टनर का पूरा विवरण जो कि व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं, हम आपको जल्द से जल्द पूरी जानकारी देंगे। अगर रिप्लाई देने में जो कि देरी होती है तो आप निराशा बिल्कुल भी ना हो, क्योंकि आपको जवाब जरूर दिया जाएगा। लेकिन फिलहाल आज हम आपके साथ व्हाट्सएप नंबर शेयर नहीं करेंगे, इसके लिए और 1-2-3 दिन का समय लग सकता है, तभी आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। तो अभी हमारे चैनल ट्रेंडिंग राशिफल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर मिल जाए और आपके और हमारे बीच जो भी दूरियां हैं वो अब मिट जाए। तो दोस्तों, आखिर आज हम आपको कुंभ राशि वालों के बारे में बताने वाले हैं। कुंभ राशि वाले लोग भाग्यशाली कैसे साबित होंगे, इन्हें कौन से कार्य में फायदा मिलने वाला है और इनकी जीवन शैली कैसे रहने वाली है, ये सभी बातें जो कि आज के वीडियो में बताने वाले हैं। तो इस वीडियो को अभी लाइक करें और अगर बजरंग बली जी का आशीर्वाद चाहते हो तो कमेंट में जय बजरंग बली जी लिखना ना भूले, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आपका सामान्य राशिफल किस तरह से रहने वाला है उसके बारे में। पिछले कुछ समय से चली आ रही परेशानियां खत्म हो सकती हैं, किसी कारण से कोई चिंता आपको सता सकती है, कई तरह के विचार मन में आते रहेंगे, आपको अपने सभी काम शांत रहकर करने होंगे और दूसरों के प्रति अपने दृष्टिकोण को बदलना होगा। आपके स्वतंत्र ख्यालात आपको दूसरे लोगों से अलग कर सकते हैं, आप दूसरे लोगों के आग्रह या आदेश को मानने के मूड में नहीं होंगे और लोगों को आपका यह व्यवहार पसंद नहीं आएगा। कोई भी काम करने के लिए पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा आपके अंदर भरी हुई है, आपका मन उदार बना रहेगा, अब आप दूसरे लोगों की कोई मदद भी कर सकते हैं, आपका काफी समय परिवार से जुड़े हुए मसलों पर खर्च हो सकता है। दोस्तों, ध्यान में रखने वाली बातों के बारे में अगर बात करें तो आपको व्यापार, ऑफिस और कार्यक्षेत्र में प्रगति के लिए काफी जोरदार कोशिश करनी होगी, आपकी अथक मेहनत से आपको धन लाभ हो सकता है, आप मीठा बोलकर अपने सभी काम पूरे करवा सकते हैं, अपनी भावनाओं को अपने दिल में दबा कर रखना गलत होगा, खुले दिल से अपनी बात करने का दिन है, जिन लोगों से आपकी अनबन चल रही है थोड़े से प्रयासों द्वारा उनसे फिर से बात बन जाएगी, एक साथ कई सारे काम आपके पास होंगे, लेकिन आप पहले महत्वपूर्ण कामों को ही करें, कोई व्यक्ति आपके लिए बहुत खास हो सकता है, मन में अच्छी भावनाएं होने के बावजूद दिन आपके लिए ठीक नहीं है। दोस्तों, धनराशि फल की बात करें तो आपके शिक्षक या मेंटर आपको जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करेंगे और आपका मार्गदर्शन भी करेंगे, अच्छे भाग्य के साथ साथ अच्छे लोग भी आपके पास है। करियर में आए बदलाव से आप प्रसन्न नहीं होंगे, आपकी काबिलियत और गुणों के कारण लोग आपको पहचानेंगे, अपने लक्ष्य को निर्धारित करें और बिना विचलित हुए आगे बढ़ते रहें, आपका झुकाव वित्तीय मामलों की तरफ अधिक रहेगा, फालतू का खर्च करने या निवेश करने से बचें, कोई भी व्यवसाय शुरू करने से पहले लोगों की जरूरतों को समझें और उसके अनुसार ही अपनी नीतियों की योजना बनाएं। दोस्तों, करियर राशिफल की बात करें तो काम पर पूरा ध्यान केंद्रित करने के कारण आप सारी परेशानियों को आसानी से हल कर पाएंगे, आपको अपने काम को पूरे मजे से करना चाहिए, अपना आत्मविश्वास ऊंचा रखें और काम के बोझे को आसानी से उठाने की कोशिश करें, अगर आपको कोई परेशानी आए तो भी अपने मार्ग से ना हटे, अगर आप अपने व्यवसाय को अपने दिमाग में सबसे ऊपर रखें तो आप इन परेशानियों को आसानी से दूर कर सकेंगे। दोस्तों, लव राशिफल की बात करें तो पति या पत्नी या साथी आपके लिए पूरी तरह से समर्पित हैं और आप उसकी इस भावना की कद्र करते हैं, प्यार में कुछ गुदगुदाते हुए पल चाहिए तो जानू के साथ एक लंबी दूरी की यात्रा से बढ़कर और क्या हो सकता है, अपने शिक्षक या ट्रेनर के साथ अनबन होगी, आपको अगर कोई सलाह या लेक्चर देता है तो इसका मतलब है कि वो आपसे प्यार करता है, अन्यथा आजकल किसी के पास दूसरे के लिए समय नहीं रहता,
आज आप अपने रोमांस सुख के सपनों में खोए हैं। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि मोहब्बत में होना नशे में होने की तरह होता है। इस पर किसी का वश भी नहीं होता। भय को अपने मन से निकालकर इस समय का पूरा आनंद लें, क्योंकि यह समय वापस नहीं आएगा। आपका थोड़ा प्रयास आज आपके घरेलू और व्यावसायिक मामलों को हल कर सकता है। दोस्तों, आखिर में स्वास्थ्य राशिफल की बात करें तो कुल मिलाकर आपकी सेहत अच्छी रहने वाली है। जिन लोगों ने व्यायाम करना बंद कर दिया है या फिर जो व्यायाम करने की सोच रहे हैं, वे लोग अब इंतजार ना करें, क्योंकि अब वक्त आ गया है आप पूरे साहस के साथ सेहत मंत्र को पाने में जुटा रहे। दोस्तों, यह थी कुंभ राशि के बारे में। अब बात करते हैं, सुबह उठते ही अगर आपको दिख जाए ये चीजें तो समझे लगने वाली है लॉटरी। हर किसी की चाहत होती है कि उसकी सुबह की शुरुआत बहुत अच्छी हो, क्योंकि कहा जाता है कि सुबह अगर अच्छी हो जाए तो पूरा दिन अच्छा बीतता है। इस बारे में कई पौराणिक ग्रंथों में एक कहा गया है कि अगर सुबह के वक्त कुछ शुभ चीजों के दर्शन हो जाए तो पूरा दिन शुभ होता है और कार्यों में सफलता भी मिलती है। तो आज हम आपको इस वीडियो में आपको सुबह होने वाली उन घटनाओं के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसे अगर आप देखें तो वो बेहद शुभ होता है। सुबह इन चीजों के दर्शन से दिन होता है शुभ। अगर आप सुबह सोकर उठते हैं और आपको कहीं से शंख, नारियल, फूल, मोर या हंस के दर्शन हो जाए तो इस बात का संकेत है कि आपका पूरा दिन बेहद अच्छा गुजरने वाला है। दरअसल उपरोक्त सभी वस्तुएं माँ लक्ष्मी के चिन्ह माने जाते हैं। ऐसे में अगर आपको सुबह ये चीजें दिखे तो माँ लक्ष्मी का मन में स्मरण जरूर करें। अगर आप सुबह सुबह किसी जरूरी काम से बाहर जा रहे हो या ऑफिस जा रहे हो और रास्ते में आपको सफाई कर्मी झाड़ू लगाते दिख जाए तो ये भी शुभ संकेत माना जाता है। इसका अर्थ है ऑफिस में आपका दिन बहुत अच्छा बीतने वाला है, साथ ही कार्यों में आ रही बाधा भी दूर होने वाली है। वेद शास्त्रों में इस बात का उल्लेख किया गया है कि सुबह के समय संतों के दर्शन होने से पूरा दिन अध्यात्म में बीतता है। ऐसे में अगर आप कहीं जा रहे हो और आपको रास्ते में संतों की टोली या कौड़ियों की टोली दिख जाए तो ये बेहद शुभ संकेत है। इसका मतलब ये होता है कि अपने आज जो कार्य सोचा है वो सभी कार्य जरूर पूरे होंगे। सुबह के वक्त अगर श्रृंगार की हुई कोई स्त्री दिख जाए तो समझिए आपको साक्षात माँ लक्ष्मी के दर्शन हुए हैं। वही अगर लाल कपड़े में सजी धजी कोई स्त्री दिख जाए तो ये भी उससे ज्यादा अच्छा माना जाता है। बहरलाल आपको भी कोई इस तरह की स्त्री दिखे तो अपने भाग्य का शुक्रिया अदा जरूर कीजिए। सुबह उठते ही आपको दूध या दही से भरे बर्तन दिख जाए तो इस बात का संकेत है कि आपका पूरा दिन बेहतरीन गुजरने वाला है। दरअसल दूध और दही को सुबह के वक्त देखना सौभाग्य का सूचक माना जाता है। साथ ही ये इस बात का भी संकेत होते हैं कि निकट भविष्य में आपको धन लाभ होने वाला है। तो दोस्तों, ये थे वो चीजें जो अगर सुबह उठते ही दिख जाए तो आपको लॉटरी से लग सकती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर करेगा, साथ ही हमारे चैनल ट्रेंडिंग राशिफल को सब्सक्राइब करेगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।